जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान सेकंड ओडीआई मैच रू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, यह मैच वंडरर स्टेडियम जोहान्सबर्ग के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन दोपहर के 1:30 बजे स्टार्ट होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा, इस टूर्नामेंट के ऊपर लास्ट मैच हुआ था 8 मार्च 2020 को, कौन सी टीम्स के बीच में यह मैच हुआ था, टाइटन्स वर्सेस लायंस के बीच में। तो उस मैच में अपन ने क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे मैं स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो पिच रहेगी ना, न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी, तो यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। लेकिन अपन कह सकते हैं इस वेन्यू के ऊपर ना एक साल बाद मैच हो रहा है, तो थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक हो सकता है, फ्लैट ट्रैक हो सकता है। और इस वेन्यू के ऊपर ना जोहान्सबर्ग के ऊपर साउथ अफ्रीका ने और पाकिस्तान ने आपस के अंदर ना 2019 के अंदर खेला था और वो मैच ना पाकिस्तान ने जीता था। और साउथ अफ्रीका इस वेन्यू के ऊपर 2016 से लेके 2020 तक 7 मैचेस खेल चुकी है ओडीआई के, और 5 मैचेस जीती है और 2 मैचेस हारी है। जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है वो 2 मैचेस जीती है, और चेस करने वाली टीम भी यहाँ पे 2 मैचेस जीती है आउट ऑफ 4 गेम्स। एवरेज स्कोर करीबन यहाँ पर 272-330 बनता दिखेगा। तब आपको ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पर कि लास्ट 4 मैचेस में यहाँ पे क्या कहानी रची थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लास्ट 4 मैचेस के अंदर ना यहाँ पर स्पिनर्स ने 24 विकेट्स निकाले, पेसर्स ने मतलब तेज गेंदबाजों ने 34 विकेट निकाले। अब देखो यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने किस तरह से विकेट निकाले, यहाँ पर ने स्टैट्स को ना फिल्टर करा है 2 पार्ट्स के अंदर। पहले तो मैंने क्या करा है, इनिंग्स वाइज सेपरेट करा है मैंने, और यहाँ पर बॉलर टाइप में सेपरेट कर रखा है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, पहली पारी के अंदर ना यहाँ पर पेसर्स ने मतलब तेज गेंदबाजों ने 18 विकेट निकाले, दूसरी पारी के अंदर 16 विकेट निकाले। और यहाँ पर राइट आर्म बॉलर्स ने ना, जो यहाँ पे राइट आर्म बॉलिंग कराते हैं, उन्होंने यहाँ पे 20 विकेट निकाले, और जो यहाँ पर लेफ्ट आर्म बॉलर्स है वो यहाँ पे 14 विकेट निकाले थे। वहीं स्पिनर्स की बात करते हैं ना, तो लोगों ने 24 विकेट निकाले, जैसा आपको मैंने बोला था, पहली पारी के अंदर 7 विकेट है और दूसरी पारी के अंदर 17 विकेट है। अब देखो यहाँ पर किस टाइप के स्पिनर्स ने विकेट निकाले ज़्यादातर, तो यहाँ पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ने यहाँ पे 13 विकेट निकाले हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन ने 1 विकेट, और लेग स्पिनर ने 4 और ऑफ स्पिनर ने यहाँ पे 6 विकेट निकाले। तो अपन यहाँ पे मोटा मोटा कहूँ ना आपसे, तो यहाँ पे जो स्पिनर्स होते हैं ना दूसरी पारी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो यार पहली पारी के अंदर 7 विकेट है स्पिनर्स के, दूसरी पारी के अंदर 17 विकेट है, तो दूसरी पारी के अंदर स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं स्वयं के ऊपर। और पेसर्स ना मेरे हिसाब से दोनों पारी के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो लास्ट मैच होता है यहाँ पे 8 मार्च 2020 को टाइटन्स वर्सेस लायंस, उस मैच के अंदर क्या हुआ था, 6 विकेट यहाँ पे पेसर्स ने और 7 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स ने निकाला। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे स्पिनर्स की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रह सकती है स्वयं के ऊपर। और सन्नी वेदर दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, बहुत शानदार सा मैच है दोस्तों, पहला मैच अपना बहुत अच्छा गया था, तो वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। अभी तो बस आपको मैंने पिच रिपोर्ट बताया, उसके अंदर भी आपको कितने वैरायटी ऑफ स्टैट्स दिए मैंने, इनिंग वाइज स्टैट्स दिया, प्लस दोस्तों आपको मैंने बताया कि किस टाइप के बॉलर्स यहाँ पे विकेट्स निकालते हैं। तो आपको यहाँ पर ना हर तरह के स्टैट्स मिलेंगे दोस्तों, इसलिए चैनल का नाम मैंने स्टैट्स गुरुजी लिख रखा है। अब देखो वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करूँगा यार, बहुत हार्डवर्क लगता है। और कोई भी फाइनल टीम्स आएगी, फर्दर अपडेट्स आएगी, मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा आपको कैसे जुड़ना है। जो आप अभी YouTube पे वीडियो देख रहे हो ना, आप उसको पॉज करो सबसे पहले, ठीक है, और आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, ठीक है, नीचे जो वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन के अंदर जाने के बाद आपको सबसे टॉप पे पिन करा हुआ एक कमेंट मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके जुड़ सकते हो, जिसके अंदर 76,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स रहेंगे, ठीक है, तो आपको जुड़ जाना है, लिंक इन द कमेंट सेक्शन, जाओ जुड़ जाओ दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे न्यूज़ की, क्या न्यूज़ आ रही है भाई, ये बहुत बड़ा मैच है, पहली बात तो ये एक अच्छे कॉज के लिए मैच हो रहा है, ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता है, आज ना इस मैच के अंदर मैं कह सकता हूँ साउथ अफ्रीका टीम पिंक कलर की जर्सी पहनेगी, ठीक है, तो यहाँ पर ना एक अच्छे कॉज के लिए मैच होगा। और जब पिंक जर्सी के अंदर साउथ अफ्रीका खेलती है ना, तो क्या होता है आपको पता है, ये टीम अलग फॉर्म में खेलती है, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेगी, जो लोग पिछली बार पिंक के अंदर ही मतलब पिंक ड्रेस के अंदर ही पाकिस्तान का अगेंस्ट मारे थे स्वैन्यू के ऊपर, भी आपको बताया ना ऊपर ये वाला स्टैट्स आपको बताया था ना, ये वाला कहाँ पे गया, ये देख रहे हो ना, हरदीप स्वैन्यू बोथ टीम्स प्लेड 1 गेम एंड 1 बाय पाकिस्तान इन 2019। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका बदला लेने के लिए खेलेगी, टेम्बो बोमा दोस्तों यहाँ पे लीड कर रहे हैं, और एडन माक्रम टॉप 4 पे ऊपर खेलेंगे, आपको वो कहा था दोस्तों, वही हुआ था। पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर ना बबर अजम दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्लेयर है भाई, जो प्लेयर अच्छा होता है ना उसकी मैं खुल के तारीफ करता हूँ, चाहे कौन से भी कंट्री का हो दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपन ना उस बैट्समैन की क्वालिटी देखते हैं, ना कि वो देखते हैं भाई कौन से कहाँ से आया है, अपन उसका गेम देखते हैं, वी आर द लवर्स ऑफ द क्रिकेट, ठीक है। तो बबर अजम एक नंबर खिलाड़ी है, पिछले मैच के अंदर यार दानिश आजीज को खिलाया था भाई, सरफराज अहमद को आप खिला सकते थे भाई, गेम को बिल्ड कर सकता है, सिंगल डबल निकाल सकता है। लास्ट मैच के अंदर ना क्या हुआ था कि 60 बॉल के अंदर 61 रन चाहिए था,
तो भी दोस्तों मैच फिसलने वाला था इनके हाथ से, सोचो एक बार। वो तो भला रहा कि वो फहीम अशरफ ने आखिरी बॉल पर चौका मार दिया था, वरना लोगी निगड़ी ने तो वो नो बॉल डाल दी थी शदाब खान को, वरना दोस्तों पूरा मैच यहाँ पे साउथ अफ्रीका के हाथ में था। तो सरफराज अहमद थे ना, होते तो मेरे हिसाब से बेटर रहता। अब यहाँ पर बात करते हैं जब दोनों टीमें आपस में खेलती तब क्या होता है। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 2015 से लेकर 21 तक 9 ओडीआई मैचेस खेले हैं और पाकिस्तान दोस्तों आगे हैं, जैसा आपसे कहा था 6 मैचेस जीती हैं, वहीं साउथ अफ्रीका 3 जीती है। यहाँ पे बात करेंगे किसकी लाइनअप्स की, तो क्विंटन डीकॉक ओपनिंग करते हैं। इन पे दोस्तों गिव अवे रखा है मैंने, हैशटैग लिखना है स्टैट्स गुरुजी लिखना है और आपको कमेंट करना है QDK क्विंटन डीकॉक कितने रन बनाएंगे। फिर आएंगे एडन माक्रम, फिर आएंगे यहाँ से टम्बा बाउमा, रस्सीवन डसन, हेनरिच क्लासेन, डेविड मिलर, एंडलेफिल वोकियो, कगिसोरा पाड़ा, हेनरिच नोकिया, कुछ लोग इनको नॉटेजी भी बोलते हैं। फिर आएंगे यहाँ से लुगी निगड़ी, तब्रेज शमशी। अब देखो ये होम ग्राउंड किसका है, तो आपको पता है ये वेन्यू ना वंडरर स्टेडियम जोन्सबर्ग। ये आपको मैं बता दूं डोमेस्टिक के अंदर यहाँ पे जो मैचेस होते हैं तो ये लायंस का होम ग्राउंड है। तो लायंस का यहाँ पे कौन से प्लेयर्स है लायंस के, टम्बा बाउमा, रस्सीवन डसन, कगिसो रबाड़ा, लिजार्ड विलियम्स, फिर आपको नीचे बैरन एरिक्स दिखेंगे और आपको वेन मिल्डर दिखेंगे। बिना देखे दोस्तों मैं बोल सकता हूँ आइडिया, ये आप देख सकते हो। तो ये देखो इस टीम के अंदर प्रमुख गेंदबाज कौन रहेगा, तो मेरे हिसाब से ये जो 5 बॉलर दिख रहे हैं आपको, ये मिलकर 50 ओवर डालेंगे। मतलब क्या, हर एक बॉलर 10 ओवर डालेगा, 10 × 5। फिलवाकियो, रबाड़ा, नोकिया, निगड़ी एंड शमशी। अब रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, हेनरिच क्लासेन के बदले बहुत कम चांसेस है यार, अच्छा खिलाड़ी है क्लासेन, इसके बदले आ सकते हैं जॉनजन स्मर्ट्स, कम चांसेस है, देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो भाई मैं चाहता हूँ सरफराज अहमद को टीम खिलाए। पहली बात तो इमाम ओपन करेंगे फखर जमन के साथ, मैं क्यों कह रहा हूँ पता है, इसके साथ मेरे को इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। सीधी बात आपसे कहता हूँ कि ये ना जब से कोविड आया था 2020 की बात है, जब आपको पता रहेगा पाकिस्तान टूर कर रही थी, कहाँ पे आपको पता है, इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैचेस हुए थे, याद है ना आपको, उसके अंदर ना इस खिलाड़ी को एक भी मैच नहीं खिलाया, वहाँ पे भी ये बाय सिक्योर बबल के अंदर था, समझ रहे हो ना आप। फिर दोस्तों आती है सीरीज नेक्स्ट, उसके अंदर भी इसको चांस नहीं मिला था, जो आपने देखी थी न्यूजीलैंड के अंदर टूर हुआ था इनका, वहाँ पे चांस नहीं मिला। इस खिलाड़ी के साथ दोस्तों ना इंसाफी हुई एक तरीके से, मतलब देख के बुरा लगता है, एक प्लेयर इतनी मेहनत करता है, PSL के अंदर अच्छा फॉर्म भी था इसका। तो देखो बबर अजम आएंगे, मोहम्मद रिजवान आएंगे, सरफराज अहमद आएंगे, आसिफ अली, अगर ये नहीं खेलते हैं तो दानिश अज़ीज़ खेलेंगे यहाँ पर, शदाब खान, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हरीश श्रॉफ, मोहम्मद रसनैन। अगर यहाँ से हसन अली फिट हो जाते हैं, क्योंकि इनको कोविड हो गया था, नेगेटिव बाद में आए थे लेकिन प्रैक्टिस इन्होंने करी नहीं थी इसलिए इनको मैच खिलाया नहीं था, तो मोहम्मद रसनैन को रिप्लेस कर सकते हैं हसन अली। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर किसी तरफ प्रैक्टिस मैच स्टैट्स आप देख सकते हो, आपको मैंने पहले बता दिया था ठीक है पिछले वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हो लाहौर के अंदर हुआ था गद्दाफी स्टेडियम में। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे अपन किसकी, जब दोनों टीमें आपस में खेलती तब क्या होता है, हेड टू हेड स्टैट्स पूरे, तो यहाँ पे ध्यान देना है क्विंटन डीकॉक जब खेलते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में तो 14 मैचेस के अंदर 500 के आसपास रन्स है, हाईस्ट 112, 50+ दो बार करा है, दो बार डक लिया इसने। पहली पारी के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट में 239 रन है, 40 की एवरेज है पहली पारी के अंदर, दूसरी पारी के अंदर 247 रन है, 31 की एवरेज है 8 मैचेस के अंदर। एडन माक्रम आएंगे यहाँ से 7-19 दो मैचेस के अंदर। ओपन करते हैं ना जब एडन माक्रम, तो इनका एवरेज देखो जब ये ओपन करते हैं ओडीआई के अंदर तो 38 की एवरेज है 11 मैचेस के अंदर, 400 रन है, इंपॉर्टेंट इस मैच के अंदर खिलाड़ी रहने वाला है। CSA के अंदर इसने क्या करा था, CSA T20 लीग भी थी, जैसे अपने इंडिया के अंदर चलती है ना IPL, इसी तरह साउथ अफ्रीका के अंदर एक तो मजांदी सुपर लीग चलती है, एक चलती है CSA T20 लीग, तो यहाँ पे CSA T20 लीग भी थी फैप के अंदर। तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि 5 मैचेस में 57 रन करे थे, पर इस खिलाड़ी ने एडन माक्रम ने 4-day फ्रेंचाइजी लीग होती है इनकी, जो टेस्ट मैच टाइप होती है फर्स्ट क्लास, उसके अंदर भाई साहब ने बहुत ही शानदार बैटिंग करी थी यार, मतलब कि 3-4 शतक जड़ दिए थे 5-6 मैचेस के अंदर, ये भाई खिलाड़ी अलग है एडन माक्रम। टम्बा बाउमा एक मैच के अंदर 1 की एवरेज है, लास्ट मैच के अंदर बहुत ही बोलते ना बिना मैच्योरिटी वाला शॉट खेला था, भाई आपके ऊपर बॉल कट मारने वाली आ रही है तो आप उसको स्लाइस करके जोर से मारो ना, ये भाई टैप कर रहा है तो टैप नहीं करना चाहिए, तो उसको जोर से टहलाना चाहिए था, सहलाना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए थे। रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 7 रन में 216 रन थे। रस्सीवन डसन आएंगे यहाँ से, एक नंबर खिलाड़ी दोस्तों ये भाई वर्ल्ड के अंदर ना इस टाइम पे करंटली नंबर 4 का सबसे बेहतरीन बैट्समैन मैं कह सकता हूँ, आप खुद देखो यार 7 मैचेस के अंदर 133 की एवरेज है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, 400 रन है, हाईस्ट 123 नॉट आउट जो लास्ट मैच में खेला था, 50+4 है, मेडन अपना सेंचुरी खेला था लास्ट मैच के अंदर, 6 मैचेस खेल के, मतलब इसने ऐसे तो 7 मैचेस खेले, बैटिंग 6 बार करी है और 50+4 बार करा, भाई खिलाड़ी अलग है। पहली पारी के अंदर 68, दूसरी पारी के अंदर 118 की एवरेज है, दोनों पारी में इंपॉर्टेंट है। CSA के अंदर रिसेंट फॉर्म अच्छा था। क्लासन की बात करते हैं, 3 मैचेस खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट में, 0 करा, 1 करा और लास्ट मैच के अंदर तो भाई साहब ने 1 रन करा था 21 बॉल के अंदर, मतलब दर्शक भी खुद दोस्तों वहाँ पे होते ना तो ताली बजाते, भाई तू क्या कर रहा है, 1 रन बना 21 बॉल के अंदर। पहली पारी के अंदर 49 की एवरेज है, दूसरी पारी के अंदर 35 की एवरेज है। नंबर 5 जब बैटिंग करते हैं ना,
हेनरिच क्लासेन बहुत अच्छा करते हैं, आपको देखो 10 मैचेस खेल के हेनरिच क्लासेन नंबर 5 पे 360 रन कर चुके हैं, 50 प्लस यार 4 बार है, मतलब ये 10 मैचेस खेल के नंबर 4 पे 50 प्लस 4 बार कर चुका है, तो आप समझ सकते हो कितना बढ़िया खिलाड़ी रहेगा। किलर मिलर रहेंगे, ये पहली पारी वाले प्लेयर है, जैसा आपसे कहा था 23 मैचेस के अंदर 457 रन है, हाईएस्ट 25 नॉट आउट 50 प्लस 3 है, पहली पारी के अंदर 46 के एवरेज है, दूसरी पारी के अंदर 31 के एवरेज है। सीएससी का रिसेंट फॉर्म रिकॉर्ड 50 एवरेज थी। एनली फिलवोकी आएंगे 7 मैचेस के अंदर 155 रन, ये दोस्तों हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ना कुछ आपको मैंने कहा था पॉइंट जरूर देंगे, भाई ने 90 के आसपास पॉइंट दिए थे, 77 की एवरेजेस की पाकिस्तान के अगेंस्ट में, 11 विकेट विद द बॉल है, कहीं 16 बार आएंगे यहाँ से, 8 मैचेस में 6 विकेट है। एज एक्सपेक्टेड आपसे कहा था कि दोस्तों ये थोड़ा सा कमजोर रहता है हमेशा, जब पहला मैच खेलता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, हेड टू हेड मैचेस में उसके कितने थे, 7 मैचेस में 5 विकेट थे लास्ट टाइम, अब तो एक विकेट ले लिया था ना सर लास्ट मैच, उसके 8 मैचेस में 6 विकेट हो गया, तो ठीक ठाक खिलाड़ी है। पहली पारी के अंदर बॉलिंग करेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी पारी के अंदर आप अवॉइड कर सकते हो। हेनरिच नॉकी आएंगे, एक मैच के अंदर दोस्तों क्या बॉलिंग कराई थी भाई का, एकदम खतरनाक स्पेल था, 145 के आसपास से बॉलिंग करा रहा था, उससे नीचे तो बॉल ही नहीं डाल रहा था बंदा, हेनरिच नॉकी पेसेस भाई के पास। उल्डी के अंदर 40 मैच में 65 विकेट है, और इसका आई थिंक लास्ट मैच रहेगा रबाडा का, नोकिया का, निगड़ी का, फिर आपको यहाँ से क्विंटन डीकॉक का लास्ट मैच है, फिर ये लोग चले जाएंगे आईपीएल खेलने, तो इस मैच के अंदर इंपैक्ट मारेंगे खिलाड़ी। निगड़ी की बात करते हैं तो 2 मैचेस के अंदर 3 विकेट है, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं आमतौर पर, अच्छे खिलाड़ी हैं, देखते हैं इस मैच में क्या होता है। शमशी जी 3-1-1-0 3 मैचेस के अंदर, और पहली पारी के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, जैसा आपसे कहा था 17 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर सिर्फ 9 विकेट है। अब बात करेंगे बेंच के ऊपर दोस्तों प्लेयर्स रहेंगे, आप इनके स्टैट्स देख सकते हो, जैसे टॉस होता है अगर आपको कोई न्यू प्लेयर इनमें से दिखता है ना, तो आप यहाँ पे आना स्क्रीनशॉट लेके रखना और आप स्टैट्स चेक कर लेना, ठीक है। ये मतलब हैशटैग का मतलब हो गया, इसने आज तक कभी इस टीम के अगेंस्ट में खेला नहीं है पाकिस्तान के, इसका वन डे डोमेस्टिक के अंदर 142 मैचेस के अंदर 4000 प्लस रन है, हाईस्ट 173 है, 50 प्लस 37 है, 93 विकेट्स है। सीएसए के अंदर रिसेंट फॉर्म 6 मैचेस में 135 रन था। इसी तरह आप हर प्लेयर के स्टैट्स यहाँ पे देख सकते हो, स्टार्टिंग आउट डालेंगे यहाँ पर कगिस रबाडा, लुगी निगड़ी, हेनरिच नॉकिया, डेथ रोमेंगे रबाडा, फिलवोकियो, निगड़ी एंड आप समझ सकते हो हेनरिच नॉकिया। अब बात करेंगे दोस्तों पाकिस्तान की, तो जब पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में, तो इमाम उल हक का 7 मैचेस के अंदर 55 की एवरेज है, 385 रन है और हाईएस्ट 101 4 बार 50 प्लस स्कोर करा है, बेहतरीन खिलाड़ी है दोस्तों, स्पेशली वाइल्ड चेसिंग देखो यार, 3 मैचेस के अंदर वाइल्ड चेसिंग इसके 227 रन है, बैटिंग फर्स्ट में 4 मैचेस में 158 रन है। और पीएसएल के अंदर रिसेंट फॉर्म अच्छा था, जो आपसे कहा था दोस्तों कि इसका 2018 से लेके 2021 तक ना पूरे वर्ल्ड के अंदर पावर प्ले के अंदर सबसे खराब एवरेज है, 67 का एवरेज है उसका, वही दोस्तों पिछले मैच में उन्होंने रखा था, फिर बाद में थोड़ी बहुत हिटिंग करी थी, कुछ 3 चौके थे और 1 सिक्स शामिल था इसके पूरे इनिंग्स के अंदर, 70 के आसपास पारी बनाई थी, तो भी तो आप सोच सकते हो कितना स्लो खेला था, लेकिन ठीक खिलाड़ी यार, सिंगल डबल करके आपको पॉइंट्स दे देता है। फकर जमन 8 मैचेस के अंदर 31 की एवरेज है, 250 रन है, हाई 70 है, 50 प्लस एक बार करा है, लास्ट मैच में लेने का रीजन दोस्तों एक ही था, रिसेंट फॉर्म अच्छा था, प्रैक्टिस मैचेस में सेंचुरी जड़ी थी इसने, प्लस फैक्टर ये भी था, पीएसएल के अंदर अच्छा करा था, आप देखो यार 4 मैचेस में 200 के आसपास रन करे, इसलिए लिया था दोस्तों, वरना स्टार्ट्स इसके अगेंस्ट में ही थे, पहली पारी के अंदर खेलता तो बहुत इंपॉर्टेंट, वाइल्ड चेसिंग थोड़ा सा गाड़ी या डगमा जाती है, ठीक है। बबर अजम की बात करते हैं, 8 मैचेस के अंदर 67 की एवरेज है, 400 के आसपास रन है, हाईस्ट 101 का भाई, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, 50 प्लस 3 है, पहली पारी के अंदर 60, दूसरी पारी के अंदर 53 की एवरेज है, पीएसएल के अंदर रिसेंट फॉर्म देखो यार, 5 मैचेस के अंदर 258 रन था, टॉप 3 हाईएस्ट रन स्कोरर्स में था खिलाड़ी। और लास्ट 10 ओडीआई जो मैंने लास्ट स्टूडियो में रखा था ना, वो का वही दोस्तों स्टैट्स है, लास्ट 10 ओडीआई के अंदर इसका 3 बार 100 प्लस स्कोर है, वही दोस्तों भाई ने दिखाया था अपना, मोहम्मद रिजवान 4-10-40 3 मैचेस के अंदर एक नंबर खिलाड़ी है, जब भी नंबर 4 पे बैटिंग करता है ना, तो 6 मैचेस के अंदर 275 रन है, आप देख सकते हो यहाँ पे 55 की एवरेज है, बहुत शानदार खिलाड़ी है, नंबर 5 पे जब बैटिंग करता है, नंबर 5 समझते हो ना कि नंबर आई थिंक नंबर 4 है, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, नंबर 4 पे बैटिंग करता है, नंबर 5 पे तो अपने दानिश अजीज आएंगे, तो नंबर 4 पे बैटिंग करता है ना, तो 55 की एवरेज है। फिर आएंगे ऐसे सरफराज अहमद, 6 मैचेस के अंदर 33 की एवरेज है, पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में 99 का रन है, हाईस्ट 49 है, पीएसएल के अंदर रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा था, आसिफ अली आएंगे, इसका 2 रन है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ओडीडी के अंदर अच्छा फॉर्म था, ये पहली पारी के अंदर ज़्यादा अच्छा करता है, 9 मैचेस के अंदर 245 रन है, 31 की एवरेज है पहली पारी के अंदर, दूसरी पारी के अंदर कुछ करानी है। रिसेंट फॉर्म देखो, पाकिस्तान कप के अंदर जैसे अपने इंडिया के अंदर विजय हजारे ट्रॉफी चलती है ना, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कप चलता है, हुआ था जनवरी के अंदर, उसमें 7 मैचेस में 400 रन से 56 की एवरेज थी। शदाब खान आप देख सकते हो 8 मैचेस के अंदर 8 विकेट है, इसका भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। पीएसएल के अंदर दोस्तों बॉलिंग से बहुत ख़राब इसके स्टैट्स है, इसकी बॉलिंग थोड़ी सी मतलब पहले वाली जैसी नहीं रही थी, जैसा अपन देखते हैं ना शदाब खान को, 8 मैचेस में 8 विकेट है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में।
फहीम अशरफ का तीन मैचेस के अंदर हैट टू मैचेस के अंदर एक विकेट है, ओडीडी के अंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, पीएसएल के अंदर भी 204 में 4 विकेट था, शहीन शाह अफरीदी 6 मैचेस में 9 विकेट है, पीएसएल के अंदर अच्छा फॉर्म था 4 मैचेस में 9 विकेट था, हैरी श्रॉफ का हैट टू मैचेस में 2 विकेट है, ओडीडी के अंदर वनडे डोमेस्टिक के अंदर 6 मैचेस में 8 विकेट है, पीएसएल के अंदर रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक था, मोहम्मद हसनैन का एक विकेट है। इस भाई ने दोस्तों सबसे बेहतरीन बॉलिंग कराई थी, प्रेशर बनाया था इसने किस किस के ऊपर, इन्होंने क्विंटन डीकॉक के ऊपर, एडिन माकरम के ऊपर, हेनरिक क्लासेन के ऊपर बहुत ही तगड़ा प्रेशर बनाया था, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। स्टार्टिंग के 6 ओवर के अंदर इसने कुछ 19 रन दिया था आई थिंक, फिर देखो यहाँ से इनका रिसेंट फॉर्म पाकिस्तान कप के अंदर 5 मैचेस में 9 विकेट था, अच्छा खिलाड़ी है। दानिश शर्जीस आप देख सकते हो ओडीडी के अंदर 31 मैचेस के अंदर 768 रन से और 50 प्लस 6 बार है और 25 विकेट है। पाकिस्तान कप के अंदर रिसेंट फॉर्म देखो 7 मैचेस के अंदर 300 रन से 74 की एवरेज थी, 8 विकेट। इस तरह हसन अली 4 मैचेस में 5 विकेट है, इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों अगर खेलते हैं तो। स्टार्टिंग और ला लेंगे शहीन शाह अफरीदी, हसनैन या तो हसन अली खेलेंगे तो दोनों में से कोई नई बॉल से बॉलिंग कराएगा। डेथ ओवर में शहीन शाह अफरीदी, हरी श्रॉफ कंफर्म है और हसन अली या तो मोहम्मद हसनैन से वही रहेगा। कभी कभी फैज अशरफ डाल देते हैं एक दो ओवर, तब बात करेंगे दोस्तों जब स्वैनी के ऊपर मैचेस में तब क्या हुआ, आपको ध्यान देना स्टार्ट्स के ऊपर। क्विंटन डीकॉक ने स्वैनी के ऊपर 7 मैचेस में 342 रन करें अगेंस्ट पाकिस्तानी स्वैनी के ऊपर इस भाई साहब ने डक लिया था, ठीक है। मैंने क्या करा, इस स्वैनी के स्टैट्स आपको मैंने दिखाए, प्लस मैंने ये भी आपको दिखाया कि स्वैनी के ऊपर ना पाकिस्तान के अगेंस्ट में क्या करा है क्विंटन डीकॉक ने, जीरो करा था ओडीडी के अंदर, वनडे डोमेस्टिक के अंदर, यहाँ पे घरेलू मैचेस के अंदर ये पहले स्टार्टिंग के अंदर लायंस की तरफ से खिला करते थे, तब यहाँ पे 22 करा पहली पारी के अंदर नॉट आउट, 20 रन पहली पारी के अंदर, 115 वाइल्ड चेसिंग, 3 रन वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट, 41 वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट, 2012 की बात है सारी। तो दोस्तों आप समझ सकते हो मैं 2010 से लेके 2021 तक के डोमेस्टिक स्टैट जो आपके लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है यार स्टैट्स के अंदर। एडिन माकरम की बात करते हैं यार, यहाँ पर तो उन्होंने आज तक कभी इंटरनेशनल यहाँ पर एक भी मैच नहीं खेला है, ओडीडी के अंदर वनडे डोमेस्टिक के अंदर यहाँ पे चेस करते हुए एक बार शतक जड़ा था, एक ही मैच खेला है टंबो बोमा दोस्तों, यहाँ पर ओडीआई के अंदर 29 कर चुके हैं इंटरनेशनली, और यहाँ पर घरेलू मैचेस के अंदर ओडीडी के अंदर इन्होंने एक भी 50 प्लस नहीं करा है, 17 वाइल्ड चेसिंग, 33 वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट, 6 वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट, 15 बैटिंग फर्स्ट, 13 बैटिंग फर्स्ट, 14 बैटिंग फर्स्ट, 17 बैटिंग फर्स्ट, 37 बैटिंग फर्स्ट, पर उस टाइम पे नंबर 3 पे या नंबर 4 पे बैटिंग करते थे। अभी दोस्तों नंबर 1 पे बैटिंग करते हैं वन डाउन, ठीक है, पहले 4 डाउन या 4 डाउन बैटिंग करते थे उस टाइम पे, तो स्टैट्स पे इतना बिलीव नहीं करना क्योंकि वो बैटिंग ऑर्डर दोस्तों ऐसा ही हुआ करता था। रसी वन डसन आएंगे यहाँ पर, इन्होंने इंटरनेशनली स्वैनी के ऊपर 5 रन, 18 रन, 32 रन नॉट आउट करा, ये 18 की पारी आई थी अगेंस्ट पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पर वन डे डोमेस्टिक के अंदर क्या करा है, 22 वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट, 49 वाइल्ड चेसिंग, 65 वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट, फिर आपको दिख रहे हैं ये सारे स्टार्ट इसके अंदर, ये मैंने जहाँ पे ऐसा एरो मार्क मारा है ना ऐसा, इसका मतलब है कि बैटिंग ऑर्डर इसका चेंज हुआ था, ये ओपनिंग करता था उस टाइम पे लायंस के लिए, जब ये ओपन करता था लायंस के लिए तब इसने 4 करा वाइल्ड चेसिंग, 1 वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट, 12 वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट, 83 वाइल्ड चेसिंग, 92 दोस्तों वाइल्ड चेसिंग, तो वाइल्ड चेसिंग यहाँ पे बहुत खतरनाक फायदे के लिए। किलर मिलर आएंगे, इन्होंने यहाँ पे दोस्तों 42 की एवरेज रखी, 8 मैचेस में 170 रन है, 36, 69, 39, 27, 5, 4, 0 और ये 4 करा था इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ओडीडी के अंदर यहाँ पे 34 करा था वाइल्ड चेसिंग, हेनरिक क्लासेन ने यहाँ पे 43 नॉट आउट करा है और वनडे डोमेस्टिक के अंदर यहाँ पर 31 वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट, 17 नॉट आउट वाइल्ड चेसिंग। तो वाइल्ड चेसिंग के अंदर दोस्तों हेनरिक क्लासेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आएंगे अनिल फुलवाकियो, 5 मैचेस के अंदर 5 विकेट है, 61 रन से स्वैनी के ऊपर, अगेंस्ट पाकिस्तान 1 विकेट और 11 रन था, कगिसो रबाडा के यहाँ पे 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट है, और समझो हर मैच में उसने 2-3 विकेट निकाले हैं स्वैनी के ऊपर इंटरनेशनली, पर इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट में 0 विकेट निकाला था। इस मैच में दोस्तों कुछ कर सकते हैं, हेनरिक नौकिया आज तक कभी नहीं खेला, निगड़ी बाबा यहाँ पर दोस्तों 3 मैचेस में 8 विकेट लेके बैठे हुए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट के अंदर अपन उनको गिन सकते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ओडीडी के अंदर यहाँ पे 1 मैच खेला था, 0 विकेट निकाला था वाइल्ड चेसिंग, मतलब दूसरी पारी के अंदर बॉलिंग कराते, शमशीन यहाँ पे 1 विकेट निकाला, ओडीडी के अंदर यहाँ पर 3 विकेट निकाले, दूसरी पारी के अंदर निकाले थे, आप ऐसे हर प्लेयर के स्टार्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेंगे इमाम उलक, इनका आप देख सकते हो 71 आया था वाइल्ड चेसिंग ओडीआई के अंदर, फखर जमन का 44 वाइल्ड चेसिंग, बबर जम का 41 नॉट आउट वाइल्ड चेसिंग, मोहम्मद रिजवान का 4 रन था एक बॉल के अंदर वाइल्ड चेसिंग, शदाब खान का 2 विकेट वाइल्ड बॉलिंग फर्स्ट, शहीन शाह अफरीदी 2 विकेट वाइल्ड बॉलिंग फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे एक T20 मैच भी हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ था, बबर जम ने 90 की पारी खेली थी वाइल्ड चेसिंग और फखर जमन ने 14 करा था, शदाब खान ने 0 विकेट निकाला T20 के अंदर, हसन अली दोस्तों यहाँ पे 4 ओवर के अंदर 48 रन खा के विकेटलेस गए थे, पहली पारी में बॉलिंग कराई थी, शहीन शाह अफरीदी अच्छा परफॉर्मेंस, आसिफ अली T20 के अंदर 2 रन वाइल्ड चेसिंग। प्लेयर बैटल की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना यहाँ पे स्ट्रगल है क्विंटन डीकॉक का शहीन शाह अफरीदी के सामने, दोनों बार इनको पहली पारी के अंदर आउट करा है क्विंटन डीकॉक को शहीन शाह अफरीदी ने 52 बॉल के अंदर। एडिन माकरम का स्ट्रगल है यहाँ पर, अपन कह सकते हैं किसके सामने, शदाब खान के सामने एक बार और शहीन शाह अफरीदी के सामने एक बार। आएंगे यहाँ से टंबो बोमा,
इनका स्ट्रगल है। हसन इनके सामने एक बार आउट हुए चार बॉल के अंदर। रसीव एंडरसन का स्ट्रगल है यहाँ पर फहीम अशरफ के सामने, शाहिंशा आफरीदी के सामने एक बार आउट हुए। फिर आएंगे यहाँ से डेविड मिलर, पर हसन अली दोस्तों को बहुत परेशान करते हैं, इनको टेस्ट मैचेस के अंदर भी बहुत परेशान करा था। इसी साल जो मैचेस होते हैं ना टेस्ट मैचेस, उसके अंदर बहुत परेशान करा था। तो हसन अली खेलते हैं तो अच्छा मैचअप रहेगा रसीव एंडरसन और हसन अली का। किलर मिलर की बात करते हैं तो शादाब खान दोस्तों इनको तीन बार आउट कर चुके हैं और तीनों बार इनको दूसरी बारी के अंदर आउट करा था 45 बॉल्स के अंदर शादाब खान को किलर मिलर। ठीक है, अब देखो फहीम अशरफ ने यहाँ पे 19 बॉल के अंदर दो बार आउट करा है और 49 रन पिटा है, बहुत मार खाई है। लेफ्ट आर्म पेस के सामने दोस्तों डेविड मिलर का थोड़ा सा स्ट्रगल है, 32 पारी के अंदर 10 बार आउट हुए। हैंडेज क्लासिंग का स्ट्रगल है, फहीम अशरफ के सामने एक बार आउट हुए, हरीश रॉफ के सामने एक बार आउट हुए, शादाब खान के सामने एक बार आउट हुए। एनली फिलवाकियो का स्ट्रगल है, हरीश रॉफ के सामने दो बार आउट हुए, लास्ट मैच के अंदर भी हरीश रॉफ ने आउट करा था, शादाब खान के सामने एक बार आउट हुए। आएंगे जेनमन मलान, इनका स्ट्रगल है आप देख सकते हो, ये शायद ही खेलेंगे। इमाम उलक का स्ट्रगल है यहाँ पर रबाड़ा के सामने, शमशी के सामने, फिलोकियो नोकिया के सामने। फकार जमन का स्ट्रगल है बैरन हैंडिस के सामने, चार बार आउट हैं, बहुत अच्छा मैचअप रहेगा। एनली फिलवाकियो का यहाँ पर स्ट्रगल है, किसका, फकार जमन का, एनली फिलवाकियो के सामने एक बार आउट हुए, रबाड़ा के सामने एक बार आउट हैं। स्पिन का इनके सामने इशू रहा है हमेशा, लेफ्ट आर्म चाइनामैन के सामने ज़्यादातर आउट होते हैं तो शमशीन का आउट कर सकते हैं। बबर अजम की बात करते हैं, रबाड़ा के सामने एक बार आउट हैं, फ्लोगो के सामने, बैरन हैंडिस के सामने और लेफ्ट आर्म चाइनामैन को थोड़ा सा स्लो खेलते हैं। इवन लास्ट मैच के अंदर पहली बॉल थी ना शमशी की, वो कैच आउट हो सकते थे बबर अजम, ठीक है, लेग स्लिप थी। अब बात करते हैं यहाँ पे मोहम्मद रिजवान की, इनका स्ट्रगल है एंडल फिलवाकियो के सामने, सरफराज का भी उनके सामने, आसिफ अली का दोस्तों यहाँ पे स्ट्रगल है शमशी के सामने, दो बार आउट हुए 20 बॉल के अंदर 15 रन से, दोनों बार दूसरी बार के अंदर इनको चलता करा है। शादाब खान वर्सेस शमशी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल, हैदर अली वर्सेस फिलवाकियो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल है। कॉमन कैप्टन आपको दिखेंगे हर जगह, बबर अजम, क्विंटन डीकॉक, ग्रैंड लीग में उसको बनाना, बनाओ दोस्तों बबर अजम को, क्विंटन डीकॉक को, टम्ब बाउमा को और रसीव एंडरसन को भी आप बना सकते हो। थोड़ा डिफरेंट जाना है तो मैं कहूँगा इस मैच के अंदर वही बात आती है, इमाम या फकर जमन एंड फिलवाकियो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करना है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों स्टैट्स के ऊपर, आप जानते हैं दोस्तों किस तरह के हम यहाँ पे स्टैट्स लेके आते हैं। टीम्स की बात कर ले, यहाँ पर मेरे कैप्टन है बबर अजम, वाइस कैप्टन क्विंटन डीकॉक, मोहम्मद रिजवान, यहाँ से दोस्तों फकर जमन को ले सकते हो, लेकिन बात वो आती है कि भाई जनता तो उसको लेके आएगी नहीं और बाई चांस फकर जमन फिर से फेल हो गए तो फिर वहाँ पर आप एक तरफा कहानी खत्म हो सकती है आपकी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिजवान साहब को लिया। कीपिंग से आपको 10-15 पॉइंट तो आराम से दे देते हैं, टम्ब बउमा, काइंडली फिलवाकियो, फहीम अशरफ, क्यागुसराबाड़ा, नोकिया जो अपने पिछले मैच में मिस्टेक करी थी, मतलब यूट्यूब टीम के अंदर थे, अगर अपन यूट्यूब टीम से जाते ना तो अपने आई थिंक आराम से 1500 के आसपास पॉइंट्स होते, लेकिन चलता है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से शाहिंशा आफरीदी हो गए। और दोस्तों कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, आपको क्या करना है वीडियो को पॉज करना भी, ठीक है, ऐसे भी खत्म हो चुका है, लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जुड़ जाना है, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में। तो देखते रहिए स्टार्ट्स गुरुजी, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।